आप लोग देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग में मैंने झूले का कड़ा लगा दिया है। दोस्तों जब भी हम घर बनवाते हैं तो उसकी सुंदरता के लिए सीलिंग में फॉल सीलिंग बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब भी इसमें हमें झूले का कड़ा लगाना होता है तब थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो आज का वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि फॉल सीलिंग में झूले का कड़ा कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों फॉल सीलिंग में जब भी कड़ा लगाना होता है तब उसके लिए हमें एक ब्रैकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने ले लिया है 8 इंच बाय 8 इंच का एक लोखंड का प्लेट, उसकी थिकनेस है 10 mm। प्लेट के चारों कॉर्नर पर मैंने 4 छेद कर दिए जो हमारा अमेरिकन बोल्ट है उसके माप के हिसाब से, और ये जो बीच में मैं छेद कर रहा हूँ उसमें जो हमारा झूले का कड़ा लगेगा जो कि आटा वाला होता है, एंकर फास्टनर से लगता है, तो उस हिसाब के जो थ्रेड का बोल्ट होता है उसी थ्रेड के माप का मैं एक बोल्ट के लिए होल लगा रहा हूँ जो मैं इसमें वेल्डिंग की मदद से फिट कर दूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 5 छेद कर दिया है और बीच में मैं एक बोल्ट वेल्डिंग कर रहा हूँ जिसमें हमारा झूले का कड़ा फिट होगा। देखिए पूरा ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही बनेगा। तो दोस्तों जब तक ये मैं वेल्डिंग करता हूँ तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने कारीगर दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और ये ब्रैकेट बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें POP का सीलिंग और हमारा RCC का छत, इसके बीच में जो डिफरेंट रहता है उस माप के हिसाब से हमें इसे बनाना होता है। और ये जो आप लोहे का प्लेट वगैरह सामान देख रहे हो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो लोखंड का प्लेट है उसमें मैंने 4 छेद किए हैं जिसमें मैं अमेरिकन बोल्ट लगाने वाला हूँ, लेकिन ये 4 छेद में 4 अमेरिकन बोल्ट नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 ही लगेंगे। इसका कारण ये है कि RCC में अगर पास पास में हम ज़्यादा छेद करते हैं तो सीलिंग जो होता है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन 4 छेद मैंने इसलिए किया है कि अगर सीलिंग में मैं 2 होल किया और 1 होल में कहीं पर सलिया आ गया तो मैं उस होल को चेंज करके दूसरा छेद कर सकता हूँ इसीलिए। और अभी ये हमारा बोल्ट लग गया इसलिए उसमें मैं ब्रैकेट भी लगाऊंगा। देखिए ये मैंने 1 इंच बाय 6 mm की पट्टी ले ली है और इस पट्टी को मैं इस तरीके से काट रहा हूँ और ये बोल्ट के साथ वेल्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 4 पट्टी के ऐसे टुकड़े वेल्डिंग करूँगा जिसकी वजह से जब भी हमारा झूले का कड़ा इस बोल्ट पर फिट होगा तो बोल्ट ना तो मुड़ेगा ना तो टूटेगा। ये अभी हमारा ब्रैकेट रेडी हो गया है और हमने POP वाले भैया को बोल के यहाँ पे POP सीलिंग में ऐसे गाले कटिंग करवा लिए हैं, और अब हमारा जो झूले का माप है उस हिसाब से हमने अंदर मार्किंग भी कर लिया है और प्लेट रख के छेद का निशान कर दिया, और हम ये अभी ड्रिल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, देखिए ये जब ड्रिल करते हैं तब ड्रिल को ऐसे थोड़ा आधा ड्रिल हो जाए उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाना भी पड़ता है जिस वजह से होल जो है वो अंदर से चौड़ा होगा और बाहर से छोटा होगा, जिसकी मदद से जब भी हम अमेरिकन बोल्ट सीलिंग के अंदर डालेंगे तो आसानी से वो अमेरिकन बोल्ट फट जाएगा, मतलब अंदर से मोटा हो जाएगा आगे से छोटा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें मजबूती बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। देखिए ये अभी फास्टनर को मैं लगा रहा हूँ, एक पाइप की मदद से मैं लगा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो हमारा अमेरिकन बोल्ट है उसके थ्रेड ख़राब नहीं हो, इसलिए ऐसे पाइप से ये लगाना चाहिए। और ये हमारा दोनों अमेरिकन बोल्ट लग गया है और अब हम इसकी नट एक बार टाइट कर लेंगे जिसकी वजह से जो अमेरिकन बोल्ट है वो अंदर से चौड़ा हो जाए, मतलब फट जाएगा जो हमने अंदर से छेद बड़ा किया है। फिर एक बार कस देने के बाद हम फिर से उस नट को खोल लेंगे और ये प्लेट वहाँ पे रख के फिट कर देंगे। देखिए ये दोनों नट अभी हम कस रहे, फिलहाल तो मैं इसको टिकाने के लिए हाथ से नट को टाइट कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम पाइप का जो पाना होता है उससे भी एकदम कस लेंगे ताकि ये एकदम मजबूत हो जाए और टिकाओ। देखिए ये अभी मैंने इसको टाइट कर दिया है ऐसे, और आपने देखा कि इसमें मैंने 2 ही अमेरिकन बोल्ट लगाए, जिसका कारण मैंने आपको पहले बताया था कि अगर RCC में ज़्यादा होल हो जाएंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। और देखिए अभी हमारा ब्रास का कड़ा, अब हम इसको भी कस देंगे, हमारा पोपट पकड़ की मदद से हम इसको टाइट कर देंगे।
तो अब ये फाइनली हमारा जो फॉल सीलिंग में कड़ा लगाने का प्रोजेक्ट था दोस्तों, वो ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।